फाइनली दोस्तों आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो और अपनी थार का टोचन चैलेंज। दोस्तों इसमें ऐसे देखते हैं कौन जीता है, इसमें कौन सी खतरनाक कार है, किसमें ज़्यादा दम है, आज हम ये देखेंगे। तो दोस्तों आज हम देखते हैं ये टोचन चैलेंज करके, तो देखते हैं आगे क्या होता है, कौन जीता है, कौन सी कार नहीं जीतती है दोस्तों, किसमें ज़्यादा पावर है, किसमें नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आप कौन सी कार को जिताना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो मैं जिताना चाहता हूँ थार को दोस्तों, जो कि मेरी फेवरेट कार है दोस्तों। अभी हाल ही में तो फेवरेट चल रही है मेरी ये कार, और काफ़ी ख़तरनाक लगती है मुझे तो ये, और काफ़ी ख़तरनाक है भी दोस्तों। और आप अभी देखते हैं इसमें तो जीत रही है दोस्तों, स्कॉर्पियो जीत रही है, इसमें ज़्यादा ताकत लग रही है मुझे दोस्तों। ये काफ़ी ख़तरनाक, शुरू में थार जीत रही थी, अभी स्कॉर्पियो जीत रही है दोस्तों। काफ़ी ख़तरनाक चल रहा है टोचन चैलेंज। और दोस्तों मैंने थार के टायर भी ज़्यादा चौड़े कर दिए हैं और काफ़ी बड़े बड़े कर दिए हैं, जो कि ट्रैक्टर की तरह लग रहे हैं, काफ़ी ख़तरनाक भील कर दिया है मैंने इसके, इसलिए अब ये थार जीतने वाली है दोस्तों। ये थार में ज़्यादा ताकत लग रही है मुझे, तो दोस्तों दोनों ही कारों में बराबर ताकत लग रही है मुझे, काफ़ी ख़तरनाक जोर से टोचन चैलेंज चल रहा है दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक। और इसमें तो अभी फ़िलहाल तो थार जीत रही है, दो बेर खींच चुकी है इसको दोस्तों। और दोस्तों आप ये ना समझें कि स्कॉर्पियो कार ऐसी नकली सी कार है, ये गैंगस्टर कारों में से एक है दोस्तों, जो कि अपनी थार और फॉर्चूनर आती है उन्हीं कारों में से एक है ये भी कार, और काफ़ी ख़तरनाक लगती है मुझे तो ये कार, काफ़ी ख़तरनाक है भी दोस्तों। गैंगस्टर लोग खरीदते हैं ऐसी कारें, थार भी खरीदते हैं, फॉर्चूनर भी खरीदते हैं, और काफ़ी ख़तरनाक हैं। अभी फ़िलहाल में तो अभी ये थार ही जीत रही है दोस्तों ये टोचन चैलेंज, पर लास्ट में देखते हैं कौन जीता है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो स्कॉर्पियो जीतेगी या फिर थार भी जीत सकती है दोस्तों, दोनों में बराबर ताकतें हैं, काफ़ी ख़तरनाक ताकतें हैं दोनों में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल देखते हैं आप कौन जीतता है दोस्तों। तो अब जीत रही हमारी भाई, दोनों बराबर ताकत लग रही मुझे, फिर भी थार जीत रही दोस्तों, इसमें काफ़ी ख़तरनाक ताकत होती है। पर दोस्तों ये गेम भी काफ़ी ख़तरनाक है, इसमें फार्मिंग मोड भी आने वाला है, टोचन मोड आया था दोस्तों पिछले महीने, और काफ़ी ख़तरनाक लगा मुझे ये तो, काफ़ी ख़तरनाक है। अगली वीडियो में और किसी चीज़ की टोचन चैलेंज करेंगे दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक टोचन चैलेंज। धन्यवाद, जय श्री राम। और थार जीत चुकी।